ईद उल फितर का त्यौहार खुशियां और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान हरिद्वार के ज्वाला पर बड़ी ईदगाह में हजारों सुन्नी मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा करते हुए मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि शिया मुस्लिम एक दिन पहले ईद का त्यौहार मना चुके हैं। बृहस्पतिवार को ज्वालापुर समेत आसपास के देहात से बड़ी तादाद में लोग ईद उल फितर की नमाज अदा करने पहुंचे। यहां मौलाना वाहिद ने ईद की नमाज अदा कराई। इससे पहले मौलाना आरिफ कासमी ने कौम से सामाजिक बुराइयां दूर करने की अपील की। आपको बता दें कि ईदगाह नमाजियों से पूरी तरह से भर जाने के बाद बाहर सुभाष नगर मार्ग और मदरसा दारुल उलूम रशीदिया में नमाज अदा की गई। ईदगाह कमेटी के सदर हाजी इरफान अंसारी व सेक्रेटरी हाजी नईम कुरैशी ने कमेटी की ओर से नमाजियों और मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हमारा जो ये मुल्क है ये मोहब्बत का मुल्क है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का और सूफी संतों का, दरवेशों का, बुजुर्गों का मुल्क है और उन्होंने हमेशा अपने मानने वालों को वही प्यार मोहब्बत की तालीम दी है। इसलिए हमारा मानना यह है कि इस मुल्क की जो मिट्टी है और जो खमीर है उसमें मोहब्बत शामिल है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी कौमें यहाँ पर रहती हैं और वो अपने अपने अकीदे के एतबार से अपना त्यौहार मनाते हैं। मुसलमानों का ये बहुत बड़ा त्यौहार है ईद उल फितर, जो मुसलसल एक महीने के रोज़ा और तरावी पढ़ने के बाद में हमें हासिल होता है। और हमारा कहना यह है कि दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो आपस में भाईचारे की, प्यार की, मोहब्बत की यही तालीम देता है, यही पैगाम देता है। तो इस ईद उल फितर के मौके पर मैं भी अपने मुल्क के सभी देशवासियों को, अपने मुल्क के देश में सभी रहने वालों को ईद उल फितर का यही पैगाम देता हूँ। ज्वालापुर में बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी सुरक्षा के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ नमाजियों ने नमाज अदा करी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करी। नफरत दूर हो, मोहब्बत पैदा हो। इस मुल्क में सभी की कुर्बानियां रही है। ये मुल्क हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो सबका है और हम चाहते हैं कि अपने मुल्क से भी, हम सबको इस्लाम का पहला करीना है कि अपने मुल्क से मोहब्बत रखना, तो हम सब लोग भी अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं और अपने मुल्क की सलामती के लिए आज ईदगाह में दुआई की। हिंदू मुसलमान भाइयों की सलामती के लिए मुल्क के अंदर दुआई की गई और ख़ास तौर से मैं प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ। जिला रमजान के बाद ईद आती है और ये खुशियों का माहौल है और ये देश में सांप्रदायिक एकता और सौहार्द का एक प्रतीक है और हमारे हिंदू भाई हमारे इस त्यौहार में शामिल हुए और उन्होंने हमें बधाइयाँ दी और एक इस लिहाज से एक बेहतरीन इससे माहौल बनता है, माहौल पैदा होता है और जिस तरीके का आज देश में माहौल चल रहा है उस माहौल में आज हमारे हिंदू भाई हमारे साथ बधाइयाँ देने हमारे पास आए। रमजान में भी उन्होंने हमसे रोजा अफ्तारी में भी हिस्सा लिया और बहुत खुशियों का माहौल है, बहुत खुशियों का टाइम है।